तो नमस्ते दोस्तों, उसके ऑन जीवन में तो अभी मैं अंबेर का किला हूँ, जो मैंने आपको 30 हेक्टेयर दिखाया था, ये वो 30 हेक्टेयर का है। और यहाँ की साइड से इन्फॉर्मेशन ही भैया देंगे। भैया जी आपका नाम क्या है? अनिल है मेरा नाम। अनिल जी, तो अनिल भैया जी यहाँ की साइड से इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए आप लोग ये राज्य देखने जा रहे हैं, ये ढूंढाड़ राज्य की राजधानी अंबेर, उसको वर्तमान में आप लोग हिंदी में अमेर कहते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है अंबर। तीसरा नाम है रत्नों की नगरी, जैम सिटी। हम लोग जो पैलेस देखने जा रहे हैं, ये राजा मानसिंह द्वारा बनवाना स्टार्ट किया। 1590 में राजा बने, 92 में फोर्ट का निर्माण प्रारंभ करवाया। मुख्य रूप से तीन राजाओं ने बनवाया, मानसिंह, मिर्जा राज जयसिंह और सवाई जयसिंह। पूरा फोर्ट 137 ईयर्स के अंदर बन के तैयार हुआ। ये था इसका हिस्ट्री। ये अकबर का ससुराल है, जोधाबाई का मायका है। ये पैलेस का फर्स्ट पार्ट पूरा चौक जलेब चौक कहलाता है। जलेब का अरबी में अर्थ होता है जहाँ आर्मी की परेड होती है। दो एंट्री दरवाजे हैं, सूरज पोल रॉयल फैमिली के लिए, दूसरा चांद पोल कॉमन पब्लिक के लिए। चांद पोल के ऊपर नक्काड खाना, रोज सुबह 2 घंटा 8 से 10 नगाड़े शिनैया बजती है। जब विदेशी और भारतीय पर्यटक हाथी में बैठ के सूरज पोल से एंट्री करते हैं, उनके स्वागत में बजाया जाता है। रोज सुबह आप लोग यहाँ पर 132 एलिफेंट का राउंडिंग देख सकते हैं। एक एलिफेंट पर बैठने का 1100 रुपये टिकट है, दो कैंडिडेट और बच्चे फ्री होते हैं। नीचे जो आप लोग ये बरामदे देख रहे हैं, राजा के अस्तबल हैं, घोड़े यहाँ रखे जाते थे। इनके ऊपर जाली वाले रूम, बंगाली पुजारी के रूम से, क्योंकि यहाँ टेम्पल है काली माता का, जिसमें ओनली बंगाली पुजारी को पूजा करना अलाउ है। तो मंदिर में काली माता की मूर्ति रखी, जो मानसिंह लेकर आए बंगाल के जसोल से। जसोल अभी बांग्लादेश में चला गया है। किला गवर्नमेंट के अंडर में, टेम्पल रॉयल फैमिली के अंडर में। जयपुर का राजा पद्मनाभ है, 23 वर्ष उनकी आयु है, इंग्लैंड में पढ़ते हैं, जयपुर में रहते हैं सिटी पैलेस में। सामने जो आप लोग जाली वाला स्थान देख रहे हैं, जहाँ बड़ा पेड़ लगा हुआ, ये बलि स्थल है। राजाओं के समय में देवी माता को चढ़ाने के लिए यहाँ पर नरबली होती थी, ब्रिटिश काल में भैंसे की। वर्तमान में देवी माता को रोज सुबह एक बकरे की बलि लगती है। पर डे एक बकरा एक शराब की बोतल जयपुर राजा की तरफ से आता है। बकरे में कुछ हिस्सा पुजारी में दिया जाता है, प्रसाद के रूप में कुछ राजा की फैमिली के पास पहुँचाता है। आप लोग मूवीज तो देखते होंगे, हाल ही में देखा होगा बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णी का, जोधा अकबर, टोटल यही शूटिंग होता है। क्योंकि यहाँ पर न तो कभी मुगल बादशाहों का राज रहा है, नहीं कभी ब्रिटिश का। शुरू से लेकर आज तक ओनली कच्छा व राजपूतों का राज है, इसलिए महल में जो भी चीज़ आप देखेंगे ओरिजिनलिटी मिलेगा, थोड़ा बहुत पब्लिक डैमेज करती रहती है। देखिए जो आप लोग ये जाओगे देख रहे हैं, ये पुराना जयपुर भी इसको कहते हैं, क्योंकि अभी आप लोग जयपुर देखते हो, वो 17th century में सवाई जयसिंह ने बनवाया, जो कि जयपुर के राजा थे। फिर 1734 ईस्वी में राजा लोग यहाँ से जयपुर गए, उसके बाद में ढूंढाड़ राज्य की राजधानी आमेर की जगह जयपुर बन गई। जयपुर का पुराना नाम है जयनगर। ओके, आइए हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये 1135 नाम से रेस्टोरेंट है, 1135 AD इसका नाम है। बेटा घूमो लेकिन सिक्योरिटी के साथ, ठीक है? देखिए हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, ये सेकंड पार्ट है, यहाँ राजा का दरबार लगता है, दीवाने आम कहते हैं सीढ़ी को। पब्लिक की जो प्रॉब्लम होती है ये सलाब की बात है। जोधा अकबर मूवी देखी है आपने, दरबार ही लगता है खाना परोसने वाला। इसमें जो आप लोग देख रहे हैं दीवाने आम में हाथी की सूंड देख रहे हैं ऊपर, ये राजपूत आर्ट है। हर पिलर के नीचे गुंबदा का डिजाइन मुगल पैटर्न, सामने बड़े दरवाजे ब्रिटिश पैटर्न बनाए गए राजा राम सिंह सेकंड द्वारा। पहले आम दीवाने आम बिल्कुल ओपन था। दीवाने आम ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में दो ही पैटर्न पर बनते हैं। उस ज़माने में स्पीकर माइक नहीं होते थे, इसलिए इको सिस्टम पैदा किया जाता था ताकि राजा की आवाज़ सबके पास में पहुँच सके। आप लोग देखेंगे फर्स्ट छत यहाँ नीचे और सेकंड छत बिल्कुल टॉप पे, ऐसे यहाँ पर 4 फीट गैप बनाया गया है, बीच में हॉल है पूरा। तो राजा बीच में बोलेंगे, आवाज़ इको सिस्टम पैदा करके हर व्यक्ति के पास में पहुँचेगी। सेकंड पैटर्न होता था, एक पिलर दूसरे पिलर से थोड़ा हट के बनाया जाता था 1 इंच, ताकि राजा को सभी व्यक्ति दिखाई दे सके। ये दो पैटर्न होते थे। इन राजाओं ने दो शक्तियों को धारण किया हुआ था, मुगल शक्ति क्योंकि ये मुगल आर्मी के चीफ थे, आर्मी चीफ थे। सेकंड राजपूती पैटर्न, तो आप लोग देखेंगे आप लोग वाइट पिलर, ये राजपूती शक्ति का प्रतीक माना जाता है। रेड पत्थर, रेड सैंडस्टोन, ये मुगल शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ का राजा लोग बेसिकली मुगल बादशाहों के साथ में रहते थे, इसलिए इस पैलेस में आप लोगों को मुगल पैटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा। दीवाने आम, दीवाने खास, मीना बाजार, टोटल मुगल पैटर्न, हिंदू पैटर्न नहीं। इस तरफ ये किचन एरिया है इनका, वेज नॉन वेज दोनों। वेज इसलिए क्योंकि जोधाबाई शीर्षाकारी थी, मांस नहीं खाती थी, भगवान कृष्ण की भक्त थी।
सामने जो बड़ा दरवाजा आप देख रहे हैं, इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे वर्ल्ड का सबसे सुंदर दरवाजा बताया है। वो इसलिए क्योंकि जो पेंटिंग आप देख रहे हैं टोटली फ्रेस्को पेंटिंग है। फ्रेस्को पेंटिंग फूल पत्ती और साग सब्जी को पीस के बनती थी नेचुरल कलर से, क्योंकि राजाओं के समय में कोई केमिकल नहीं होता था। अजंता एलोरा की गुफाएं आपने देखी हो या सुना हो, उसमें जो पेंटिंग देखते हैं वो फ्रेस्को पेंटिंग है, लेकिन वो है 3000 साल पुराना पेंटिंग। ये 426 साल पुराना पेंटिंग है, न तो ये पानी से खराब होता नहीं हाथ टच करने से। इसे ईरानी शैली में बनाया हुआ है, इसलिए इसे पर्शियन पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि ईरान को पुराने ज़माने में पर्शिया कहा जाता था। ऊपर जो जाली वाला स्थान देख रहे हैं सुहाग महल कहलाता है, इसमें ओनली मैरिड वुमन को अलाउ था, न तो लड़कियाँ नहीं विडो इसमें जा सकती थी। दोनों तरफ दो रूम आप देख रहे हैं, यहाँ जयसिंह की दो रानियाँ थी मृगनिनी और चंद्रावती, यहाँ पूजा अर्चना करती थी। जब राजा लोग लौट के आते सेंटर वाली जाली में से उनका स्वागत किया जाता था, इसलिए पूरे दरवाजे को स्वागत दरवाजा भी कहते हैं। जब रानियों को पब्लिक की मीटिंग आर्मी की परेड को देखना होता, सेकंड पार्ट में आप लोग देखेंगे नीचे की तरफ दो जालियां देख रहे हैं, इनके पीछे रूम्स बने हुए हैं, यहाँ रानियां बैठती थी। जालियां पर्दे के रूप में रानी के लिए काम आती थी, रानियां बाहर वाले व्यक्ति को देख पाती थी, उनको कोई नहीं देख पाता था। इस तरफ राजा की अनऑफिशियल रानी बैठती थी और ऊपर दासियाँ खड़ी होती थी जाली के अंदर। इस एरिया में आप लोग देख रहे हैं यहाँ रसोई घर के मेंबर्स बैठा करते थे, ये पूरा दरबार लगता था उस ज़माने में। आइए यहाँ पर आप लोगों का फोटो लेना। लेकिन दोस्तों एक बात कहने की है कि यहाँ पे जो चीज़ है इतने साल पुरानी, इतनी ज़्यादा प्राचीन, इतनी ज़्यादा अलग तरीके की है कि माने ही क्या। रानी के बाथरूम नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पहले या तो लोग खेत में जाते थे या तो कहीं और जाते थे, और राजाओं के लिए और वजीरों के लिए अलग से वॉशरूम बनाया जाता था। पहले का वॉशरूम देखना है, कोई देखा नहीं है। आज के समय में तो वेस्टर्न होते हैं, इंडियन होते हैं, पहले के कैसे होते थे मैं थोड़ा तो मुझे पता है कि बस एक बैठने वाला ही होता है, पर अलग तरीके का। हमाम, हमाम तुर्की भाषा का शब्द है। राजा जयसिंह ने अपनी दो रानी मृगनिनी और चंद्रावती के लिए तुर्की से ये टेक्निक लेकर आए, जो टेक्निक हम लोग अंदर देखेंगे। तो किस टेक्निक लेके आए थे भाई साहब? कि लोग बात करते थे। ये वॉशरूम ये आप लोग ये देख रहे हैं, ये रानी के टॉयलेट हुआ करते थे पूरे महल में। 1999 ऐसे टॉयलेट यूज किए जाते थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि बाथरूम है, कितने अलग तरीके के बाथरूम है भाई। दर्जे कैसे थे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा भाई, जब तक आप चले जाइए आपका भाई आ जाएगा। इधर क्या है? देखिए हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये टर्किश बाथ है, इसमें दो वाटर टैंक्स हैं, ये कोल्ड वाटर टैंक, और इधर ये हॉट वाटर है। दोनों टैंकों के बाहर प्लास्टिक पाइप लगाया गया है नीचे, इससे पानी नीचे नाली में गिरता था और राउंड में होता हुआ पानी सामने टैंक में जाता है, जिसे आप लोग जकूज़ी कहते हैं। राजा और रानी वहाँ पर नहाया करते थे, नहाने के बाद में ड्रेस चेंज होती थी, चेंजिंग रूम है जहाँ आप लोग खड़े ये उनका मसाज रूम हुआ करता था, स्टीम बाथ के रूप में इसको यूज किया जाता था। नीचे जो आप लोग झील देख रहे हैं ये मावटा झील है, इसके बीच में जो गार्डन आप देख रहे हैं सैफ्रन गार्डन, केसर क्यारी। राजाओं के समय में केसर लगाने का कोशिश किया, केसर उगा नहीं, नाम पड़ गया सैफ्रन गार्डन। पूरा पर्शियन कारपेट के डिजाइन पर बनाया गया है। ऊपर भी वॉशरूम है दोस्तों। आज के जमाने में जो VIP लोग होते हैं उनका वॉशरूम कम से कम 3-4 फ्लोर का होता है, पर पहले के लोग बहुत अमीर थे, बुक भी ले रहे थे पहले के।
उनका छोड़िए भैया जी, टावर नहीं आता यहाँ पर फोन का, फिर वो अपने को ढूंढेंगे या फिर हमको ढूंढेंगे। अरे हाँ ये बात सीधे उनको साथ में पूनम दोस्तों कहने की बात है कि पहले के समय में हमारी क्या टेक्नोलॉजी होती थी कि हम इंसानों ने तो बहुत सारी चीज़ें रख के एक्सपेरिमेंट करते गए करते गए करते ही गए। बताइए भैया जी, देखिए आप लोग ये देख रहे हैं पूरा दीवाने खास है, दीवाने खास में बिल्कुल सामने सुख में महारानियाँ रहती थी जो हम लोग अभी देखेंगे, जस्ट आपके सामने शीश महल है। इसमें जो मिरर लगाया गया वो बेल्जियम से लाया गया, स्पेशली कहा गया बेल्जियम से है इस मिरर को लगाने के लिए, क्योंकि इसमें क्वालिटी है। नाइट में आप लोग कैंडल जलाते हैं पूरे महल में इतना प्रकाश होता है, हैलोजन लाइट जला के नहीं कर सकते क्योंकि सभी मिरर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ने बनवाया इसको 1623 लगा इसको बनाने में, टोटल हैंडवर्क मशीन का कोई काम नहीं है। ऊपर जो आप लोग हॉल देख रहे हैं यहाँ पूरा पाइपलाइन लगाई जाती थी, और शीश महल के ऊपर दो वाटर टैंक से हल्का हल्का पानी आता। सामने जो कड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ पर्दे लगाए जाते हैं खसखस के, हल्का हल्का खस पे पानी गिरता रहता, हवा आती है अंदर पूरा ठंडा रहता है। अंदर वाला पोर्शन पूरा चूने का बनाया हुआ है, चूना गर्मी में बिल्कुल ठंडा रहता है, सर्दियों में गर्म रहता है, उस ठंडी हवा को और भी कूल किया जाता है। न तो यहाँ एसी की जरूरत थी, नहीं हीटर का, नहीं लाइट का जरूरत था। आज भी इसमें क्वालिटी, बाहर का कोई राष्ट्रपति आता सेम प्रोसेस में ओपन होता है। ये बेडरूम से रानियों के दो रानियाँ थी, मृगनयनी और चंद्रावती, दोनों के लिए अलग अलग बेडरूम उन्होंने बनवाए। आइए चलिए आपको आगे सामने है जो आप देख रहे हैं ये इनका मीटिंग हॉल है, फैमिली मीटिंग हॉल है। यहाँ पर होता है यहाँ पूरा पर्दे से पैक कर दिया जाता है ताकि अंदर जो भी मीटिंग है बाहर वाले को पता नहीं लगे, बैरिकेड में पब्लिक के अंदर जाना अलाउ था, लेकिन पब्लिक ने जैसे डैमेज किया गवर्नमेंट ने तो सिक्योर किया। क्या क्या आगरा की कला है, ये मैजिकल फ्लावर है, उस जमाने की कारीगरों का बेहतरीन आर्ट है। दो पैटर्न बनाया गया है, ये मुगल पैटर्न है, ये राजपूती पैटर्न। उस जमाने मशीन नहीं होती थी, मार्बल पे खतौड़ा मारते जगह जगह से ब्रेक होता है, सोचिए इतना बारीक ब्लैक मार्बल भी काटना, कलर नहीं है ब्लैक मार्बल है। ध्यान से देखिए बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, देखो आप लोग चींटी का सिर, हाथी के कान, मधुमक्खी, बटरफ्लाई, हाथी की सूंड, शेर की पूंछ, फिश, बिच्छू, केकड़ा, सिंपल फूल, सनफ्लावर, स्नैक हेड, लिली का फूल, लिली का पत्ता, ऐसे 17 कटिंग मिक्स किया हुआ है। 17 तो सोते हैं अभी ना, सभी मैजिकल फ्लावर मुगल का लग नहीं रहा होगा, जब मैं देखिए कैमल को उल्टा करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, जब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तब लग रहा है, क्योंकि देखिए ये गुम्मद है, गुम्मद जैसे लग रहा है, क्योंकि जो हमारी मस्जिदें होती है उनमें ऐसे ऐसा शेप होता है ना, उससे आप पता लगा। देखिए इस महल में दो मिरर्स यूज किए गए हैं, बेल्जियम मिरर और नॉर्मल इंडियन मिरर। ऊपर आप लोग देखेंगे सारे कॉन्वेक्स मिरर बेल्जियम मिरर से, फ्लैट मिरर इंडियन मिरर है, दो आर्ट मिक्स की गई है। ऊपर ये पर्शियन आर्ट है, नीचे ये अफगानिस्तानी आर्ट है, ये दोनों आर्ट इसमें मिक्स की हुई है। और नीचे आप लोग देख रहे हैं ये मार्बल है, ऊपर वाला पोर्शन चूने का बनाया हुआ, लाइम का बनाया हुआ है। लाइम का इसलिए बनाया क्योंकि राजस्थान में गर्मियों के जो टेम्परेचर होता है 40 से 50 के बीच में होता है, उस हीटिंग को बिल्कुल डाउन कर देता है लाइम स्टोन। लाइम स्टोन गर्मियों में बिल्कुल ठंडा रहता है, सर्दियों में गर्म रहता है, वातावरण के प्रतिकूल काम करता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर आप लोगों को लाइम स्टोन का प्रयोग देखने को मिलेगा। अब हम लोग जाएंगे यहाँ का एसी सिस्टम देखने। एसी सिस्टम, हाँ भाई,